हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको पॉलिटिक हब डॉट कॉम में। आज हम लोग जानेंगे एनालिटिकल मेथड के बारे में कि एनालिटिकल मेथड के द्वारा जो मेरा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स है वो कैसे काम करता है। मतलब कि अभी हम लोग सीख रहे हैं इस विशेष दौर में, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में मैंने जाना था कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है, कि फोर्स का कंपोनेंट लेना होता है किसी विशेष डायरेक्शन में। अगर किसी फोर्स का कंपोनेंट लेना होता है किसी विशेष डायरेक्शन में, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसके दो मेथड्स थे, एक था ग्राफिकल मेथड, एक था एक है ना एनालिटिकल मेथड। तो मैंने ग्राफिकल मेथड इससे पहले लेक्चर में चर्चा कर दिया है। अब मैं इस लेक्चर में चर्चा करूँगा कि एनालिटिकल मेथड क्या होगा। तो देखिए बाबू, एनालिटिकल मेथड ये होगा जो कि मैथमेटिकल एस्पेक्ट का यूज़ करेगा, मतलब कि जितने भी मैथमेटिकल टर्म्स है उसका यूज़ करेगा। आप देख रहे थे कि जो मेरा ग्राफिकल मेथड था उसमें जो टर्म यूज हो रहा था वो चीज़ हो रहा था स्केल टाइप का टर्म यूज हो रहा था, मतलब कि हम चीज़ को माप कर देख रहे थे कि किसका लेंथ कितना है, उसके अनुसार से उसका कंपोनेंट क्या होगा। ठीक है, अगर आप चीज़ को देखना चाहें कि एनालिटिकल मेथड क्या होगा, मतलब कि एनालिटिकल मेथड में आप जाइएगा तो पता चलेगा कि वहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है, वहाँ पर कोई स्केलिंग वगैरह की बात नहीं चलता है। नहीं, चलिए तो एनालिटिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एनालिटिकल मेथड में भी दो कंपोनेंट लिए जा सकते हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिए जा सकते हैं और एक नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिए जा सकते हैं। नहीं तो मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि भाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है और नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है। तो मैं बताया था जब हम जिस डायरेक्शन में हमको कंपोनेंट लेना है, अगर मान चलिए जिस डायरेक्शन में हमको कंपोनेंट लेना है वो डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अगर मान चलिए जो कंपोनेंट्स हम लोग ले रहे हैं वो कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर नहीं है तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जैसे कि ये जो मेथड था मेरा ग्राफिकल मेथड, उसमें देख रहे थे इधर हम ले रहे थे क्या एक कंपोनेंट इधर ले रहे थे, देखिए एक कंपोनेंट इधर ले रहे थे है ना, एफ वन, देखो ये एफ टू था, एक कंपोनेंट इधर ले रहे थे, एफ वन था ये। अब देखिए एफ वन कंपोनेंट और एफ टू कंपोनेंट के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का नहीं है, ये 90 डिग्री का नहीं है, इसीलिए नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अगर आप देखिएगा यहाँ पर ये एफ वन है और ये एफ टू है, तो इस केस में आप देखिएगा कि एफ वन और एफ टू के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। नहीं, ये 90 डिग्री का है तो इसके अनुसार से ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कंपोनेंट यानी कि एफ वन और एफ टू कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर कहलाएंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं कहलाएंगे। तो इसके अनुसार से दो चीज़ बन जाता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो मैं ये तो था ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन, तो अब मैं बताता हूँ आपको एनालिटिकल मेथड में कैसे काम करते हैं। दो कंपोनेंट होंगे, बात समझ में आ रहा है बच्चे। अब आपको समझाता हूँ कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्या होगा। देखिए व्हेन रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एट 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मतलब कि जो मैं फोर्स का रिजोल्यूशन कर रहा हूँ, कहने का मतलब है कि मैं जो फोर्स को ब्रेक कर रहा हूँ, देखिए ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो क्या कहला जाएगा बाबू, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहला जाएगा। देखो ये बाबू, ये वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है और ये क्या है, ये एक्स डायरेक्शन है। अब देखिए ये फोर्स का डायरेक्शन इधर है, किस इधर है, इधर है। तो कहने का मतलब ये फोर्स वेक्टर एफ है, इसका डायरेक्शन इधर है, देखो वेक्टर एफ है। फोर्स को हम लोग किससे लिखते हैं, वेक्टर एफ से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। चलो अब देखो इसके अनुसार से अगर बात करें, देखो मान लेते हैं कुछ इस प्रकार का कोई फोर्स था, ये वाला जो लाइन था कोई फोर्स था, ठीक है, जो कि इस प्रकार से था। अब जो कि इससे एंगल थीटा बना रहा है, क्या बना रहा है बाबू, थीटा एंगल बना रहा है। तो बताओ ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस, देखो ये बात जो लिखा हुआ है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब मुझे पता करना है, देखो मैंने इससे पहले जो ग्राफिकल मेथड था उसमें ये बताया कि ये जो जहाँ मतलब ये फोर्स जहाँ तक जा रही है, इस पॉइंट का है ना, जो वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होगा वही इसका वाई कंपोनेंट होगा। इस पॉइंट का जो एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होगा वही क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट, इस एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा। तो बताइए इस पॉइंट का वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या होगा, जो कि ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया, नहीं ये प्रोजेक्शन होगा जो कि 90 डिग्री के यहाँ बनाएगा। इस पॉइंट का ये जो है एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या होगा, यही होगा। ठीक है, अब बताइए ये जो लाइन का लेंथ मिल रहा है वही है इस विशेष फोर्स का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, ये जो लेंथ का लेंथ हमको मिल रहा है वही है इस विशेष फोर्स का एक्स कंपोनेंट, और ये जो लाइन का लेंथ मिल रहा है वही है इस विशेष फोर्स एफ का वाई कंपोनेंट।
इस बात को आप इससे पहले लेक्चर में जब आप ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे उसमें भी देखे थे आप, नहीं? तो उसमें देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये ट्रायंगल ये बन रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहे हैं, इसी दोनों ट्रायंगल में काम करते हैं। चलिए, तो मुझे मैं पहले काम करता हूँ इन ट्रायंगल ओ ए पी में, किस में काम करना चाहता हूँ मैं, किस में काम करना चाहता हूँ, इन ट्रायंगल ओ ए पी में काम करना चाहता हूँ। तो देखो भाई, ट्रायंगल ओ ए पी में अगर अगर मान चलिए ये एंगल थीटा दिया हुआ है, मेरा ट्रायंगल ओ ए पी कैसा है भैया, ऐसा है, ऐसा है ना, ये 90 डिग्री का है, ये थीटा दिया हुआ है। देखो भाई, अगर ये 90 डिग्री का है तो तब जाके ये क्या है, एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल है, तभी जाके इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर पाएंगे। नहीं, आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एक ऐसा ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं रहेगा तो हम लोग चाहेंगे क्या, राइट एंगल ट्रायंगल उसमें बना दे, काट कूट के बना दे, तब जाके उसमें ट्रायंगल ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ये मैथमेटिक्स की चीज़ है। नहीं, अगर यहाँ पर देखिएगा तो पता चल रहा है कि ये एंगल थीटा है, ये लाइन का ये जो है, देखिए ये लाइन ये है, ये है मेरा वेक्टर एफ, और देखो ये है मेरा ओ, ये है मेरा ए, ये है मेरा पी। तो बाबू, इस ट्रायंगल में अगर हम कॉस थीटा लिखेंगे तो बताओ क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा बाबू, है ना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो बताओ बी क्या है, ओ ए है, और एच क्या है बाबू बताओ तो, ओ पी है कि नहीं है, ओ पी है कि नहीं है, यही बात ना यहाँ पर लिखा गया है, बी कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ओ ए बटा ओ पी। अब देखो भाई, ओ ए की जगह पर क्या होगा, ओ ए जो की जगह, ओ ए की जगह देखो, ओ ए की जगह पर हम लोग जो इसका वैल्यू पता करना है, नहीं, कहने का मतलब कि मुझे ये एक्स कंपोनेंट क्या है इस फोर्स का, ये मुझे पता करना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट क्या है फोर्स का, ये मुझे पता करना है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स कंपोनेंट क्या है, जो ओ ए लाइन का लेंथ होगा वही एक्स कंपोनेंट होगा। कहने का मतलब है कि हमको ओ ए की वैल्यू चाहिए। नहीं, तो बताओ अगर इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए, ओ ए बटा ओ पी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो भाई ओ पी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ओ पी जो मेरा लाइन है उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। तो क्या होगा भाई, ये एफ हो गया। अब इसके अनुसार से अगर हम देखेंगे कि ओ ए के वैल्यू निकाले जाए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा गुना एफ। तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। बात समझ में आया क्या, कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ आप लोग यहाँ से देख रहे थे भाई, ये जो चीज़ आप लोग यहाँ से देख रहे थे, है ना, देखिए ये चीज़ जो आप लोग यहाँ से देख रहे थे जिसमें ये फैक्टर एफ था, ये क्या होगा बाबू, एफ होगा ना, यहाँ पर लिखा रहना चाहिए था ये एफ, ये जो फैक्टर एफ था, ये जो फैक्टर एफ का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ओ ए का लेंथ क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। याद रखना, कहने का मतलब है कि अगर ये फोर्स है, ये फोर्स अगर जिस एक्सिस के साथ, जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, उस लाइन पर आपको कंपोनेंट चाहिए होता होगा, तो आप क्या कह दीजिएगा, एफ कॉस थीटा। कहने का मतलब है ये कोई लाइन है, इसके इससे कोई एंगल बनाता हुआ कोई फोर्स लग रहा है एफ, ये एंगल अगर थीटा है तो इस डायरेक्शन में इस फोर्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। जान लीजिए, ध्यान दीजिए इस बात का, अगर मान चलिए थीटा एंगल इससे बना रहा होता तो इस डायरेक्शन में इस फोर्स का क्या कंपोनेंट होता बाबू, ये इस यानी कि अगर ये एंगल थीटा इससे बना रहा होता, अगर ये फोर्स अगर इस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा होता तो इस डायरेक्शन में इस फोर्स का कंपोनेंट होता एफ कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है क्या, चलो उस बात को भी हम लोग देखेंगे। चलो, तो कहने का मतलब जो जो नीचे वाला ट्रायंगल है उस नीचे वाला ट्रायंगल के अनुसार से ये पता चल रहा है, जो मेरा नीचे वाला ट्रायंगल है उसके अनुसार से पता चल रहा है कि जो मेरा इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होगा। देखो भाई, इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। चलो, बात समझ में आया। अब मैं मान लेता ये जो मेरा फोर्स एफ है, इस फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या होगा, इस चीज़ को देखो, तो हम इस ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, वाई कंपोनेंट के लिए। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा इन ट्रायंगल किस में हुआ, ओ बी पी में। देखो
इंटेंगल OBP में देखो, बताओ तो क्या हो जाएगा। OBP में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो लगाओ कॉस, देखो बताओ। OBP में देखेंगे तो मुझे इस लाइन का लेंथ चाहिए, नहीं इसी लाइन का लेंथ चाहिए होगा, इसी लाइन का लेंथ चाहिए। अगर मैं इस एंगल में देखूँ, अगर ये एंगल पहले से दिया हुआ था, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, वो 90 माइनस थीटा। तो बताओ कॉस 90 माइनस थीटा में क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब कि कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, बी बटा एच होगा। तो बी क्या है बाबू, ओ बी है बटा, और ये एच क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, कर्ण क्या है, ये है ओपी है, तो ये ओपी हो जाएगा। अब देख भैया कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी। और ओ बी का लेंथ हमको पता करना था, तो ओ बी ये रखते हैं बटा ओ पी। ओ पी बराबर बताओ तो बाबू क्या है, ओ पी जब हम क्या रख सकते हैं, एफ रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ। तो क्या हो जाएगा, ओ बी इंटू देखिए ओ बी की वैल्यू निकालना रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ साइन साइन थीटा। देखो भाई ओ बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। ओ ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फोर्स था एफ वाला, ये जो फोर्स लग रहा था, इस चीज़ को आप लोग देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये जो मेरा फोर्स एफ था, ये फोर्स अगर इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस लाइन पर जो मेरा कंपोनेंट होगा वो कॉस कंपोनेंट होगा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा बाबू, देखो ये लाइन जो है, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन, तो अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए होगा, तो इस थीटा का साइन होगा उस फोर्स में गुना, उसमें हम फोर्स से गुना कर देंगे। नहीं देखो ओ बी बराबर क्या आ रहा है, एफ साइन थीटा आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, एफ साइन थीटा आ रहा है, भूलना मत, बोलना मत। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हम लोगों ने देखा कि ओ बी की वैल्यू क्या होगी, ओ ए की वैल्यू क्या होगी। चलो तो इसके अनुसार से मुझे मिला ना ओ ए और ओ बी की वैल्यू, देखो भाई तो क्या हो जाएगा, ये इसके अनुसार से ये प्रिंटेड है, लिख लो इसको। अब ये भी प्रिंट इन ट्रायंगल, अगेन बी ओ पी में देख लो, बी क्या लिया, बी ओ पी ले लिया उसमें देखा, तो क्या हो जाएगा बाबू, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होना चाहिए था। नहीं यहाँ पर क्या होगा, मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। चलो ये अरे हाँ, कॉस 90 डिग्री माइनस क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ पर थीटा होगा, नहीं कॉस 90 डिग्री बराबर माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ओ बी बटा ओ पी। और इसके अनुसार देखेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, अभी मैं बताया हूँ, बराबर होता है साइन थीटा, है ना। तो इस प्रकार से जानते होंगे आप लोग, है ना। तो बताइए तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ओ बी बटा ओ पी, जबर क्या भर दिए हम लोग, एफ भर दिए, मैं बता चुका हूँ एक बार इस चीज़ को, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। अब मुझे पता चल गया कि ये जो चीज़ है इस प्रकार से था, और ये मेरा फोर्स था एफ, इस फोर्स का कंपोनेंट हम लोग इस डायरेक्शन में देख रहे थे भाई, तो पता चल रहा था कि ये है बाबू एफ कॉस थीटा, अगर ये थीटा एंगल था, और इसी फोर्स का कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में देख रहे थे, तो मिल रहा था एफ साइन थीटा, जहाँ पर थीटा एंगल ये है। नहीं ध्यान देना इस बात को, तो बताओ भाई अब मुझे ये कंपोनेंट मिल गया और ये कंपोनेंट मिल गया। देखो भैया अब इस कंपोनेंट के अनुसार से इन दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट क्या होगा, उस चीज़ को अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा। देखो भाई ये जो मेरा एक्स डायरेक्शन है, क्या है एक्स डायरेक्शन, ये है मेरा वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन को हम लोग अगर वेक्टर की दुनिया में लिखना है, रहता है, तो हम लिखते हैं एक्स आई कैप, मतलब ये ऐसे लिखते हैं इस चीज़ को। देखो वेक्टर चीज़ को, वेक्टर जानते हो, वेक्टर उसको बोल, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलो तो कहने का मतलब क्या होगा, देखो जब इस चीज़ को हम लोग अगर वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस चीज़ को अगर हम मान लेंगे, अगर मान चलिए देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप क्या लिखिएगा, आर बराबर क्या होगा, रिजल्टेंट बराबर ये फोर्स प्लस ये फोर्स, यानी कि एफ साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। लेकिन देखिए फोर्स का जो है ना, फोर्स का जो एडिशन होता है या फिर सब्सट्रैक्शन होता है,
वो ऑर्डिनरी यानी कि नॉर्मल अलजेब्रा की तरह नहीं होता है, उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए अलग अलग नियम बने होते हैं, नहीं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि जो वेक्टर जो होता है वेक्टर को जोड़ने का तरीका अलग होता है, घटाने का जोड़ने और घटाने का तरीका जो होता है वो हम लोग जो नॉर्मल अपनी लाइफ में करते हैं जोड़ने और घटाने के तरीका से वो अलग होता है, नहीं तो वो चीज़ हो जाता है किसी वेक्टर में हो जाता है। तो चूंकि आप जानते हैं कि मेरा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसीलिए इसको हम लोग ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। इसमें हम लोग देखिए ये वाई डायरेक्शन है ना, जिसके साथ हम लोग लगाते हैं ये जे वेक्टर है, क्या वेक्टर है जे वेक्टर, ये एक डायरेक्शन में, इसके साथ लगाएंगे हम लोग आई वेक्टर, तो कहने का मतलब आई वेक्टर लगाएं तो एस आई के ऊपर हेड, तो इसके अनुसार जैसे कि वेक्टर वेक्टर एफ लिख रहे थे ना वो, ये देखिए वेक्टर एफ लिख रहे थे ऐसे, तो इसके अनुसार से ये आई के ऊपर वेक्टर लिख देंगे या जे के ऊपर वेक्टर लिख देंगे, तो एफ साइन थीटा आई के ऊपर वेक्टर, ये देखो साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या है बाबू, ये जे वाला कंपोनेंट के साथ है ना, तो जे वेक्टर, और ये एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा बाबू, देखो एफ 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 कॉस थीटा, देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ, नहीं मैं इसको छोटा लिखता हूँ थोड़ा सा, देखो क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा है ना इंटू आई वेक्टर, तो ये बात होती है नहीं, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ से रिजल्टेंट बराबर क्या लिखा, तो वेक्टर आर बराबर क्या लिखा हुआ है, एफ कॉस थीटा आई वेक्टर आई प्लस एफ साइन थीटा वेक्टर जे। आप इस चीज़ को भी आप लोग के लिए ऑप्शनल है, आप समझिए तो भी बढ़िया है, आप लोगों के लिए अगर नहीं समझे तो भी बढ़िया है, नहीं इस चीज़ का एप्लीकेशन हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ये चीज़ समझेंगे कि भाई क्या ये जो है ये लाइन इस लाइन के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या है और इस लाइन के अलॉन्ग कंपोनेंट का क्या है, इतना चीज़ समझ गया ना तो फार्क रख देंगे क्वेश्चन को, नहीं क्वेश्चन जो आएगा उसको फार्क रख देंगे, अगर इतना ही चीज़ समझ में आ गया तो ये सब चीज़ उतना ज़रूरी नहीं है, आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, ठीक है। चलो देखो उसमें क्या हो रहा था, देखिए ये देखो ये क्या है एफ एफ कॉस थीटा, ये एक्स के अलॉन्ग है ना, और एफ साइन थीटा ये क्या है ये वाई के अलॉन्ग है, तो वाई नहीं लिख करके यहाँ पर जे वेक्टर लिखते हैं, एक्स नहीं लिख करके यहाँ पर आई वेक्टर लिखते हैं, ये बात होती है नहीं, तो ये सब लिखने का एक तरीका है मात्र और कुछ नहीं है। अब जैसे कि आई वेक्टर लग जाएगा और जे वेक्टर लग जाएगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं ना, नॉर्मली इसको जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, नहीं आपको इसके लिए है ना वेक्टर का कैसे जोड़ घटाव होगा वो सीखना पड़ेगा, तो जब मैं पढ़ाऊंगा कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस उसमें पढ़ाऊंगा कि वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं, कहने का मतलब है कि वेक्टर का जो एडिशन होगा वो कैसे काम करेगा उस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, हम लोग उसका तरीका सीखेंगे कि वेक्टर का एडिशन कैसे होगा और उसके अनुसार से फोर्स को जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें आने वाली है आने वाले क्लासेस में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकलता है, चलो अब इस चीज़ को मैं एक बार और बताता हूँ, अब दूसरे क्वेश्चन की मदद से बताता हूँ, चलो चलो देखो यहाँ पर क्या हो रहा था परपेंडिकुलर कंसेप्ट लिखा हुआ है, नहीं तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, नहीं क्या होगा बाबू परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो मेरा फोर्स है कुछ इस प्रकार से इसका डायरेक्शन ये है इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए बाबू यहाँ पर ये जो फोर्स है यहाँ पर इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो मैंने बताया कि जिस एंगल के जिस एक्सिस के साथ अगर एंगल बना रहा है, देखिए जिस लाइन के साथ अगर एंगल बना रहा है फोर्स, अगर उसी लाइन पर आपको कंपोनेंट चाहिए तो उसका कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस, देखिए इस लाइन के साथ एंगल बना रहा था इस लाइन के साथ, देखिए ये जो लाइन मेरा ये लाइन है ये लाइन ये लाइन इसके इसी लाइन के साथ ना ये फोर्स एंगल बना रहा है, वो कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो क्या होगा ये जो थीटा होगा इस यानी इस फोर्स का कॉस ले लेंगे ना तो ये इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट मिल जाएगा, अगर मान चलिए इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट चाहिए तो क्या हो जाएगा ये जो थीटा है इसका साइन कंपोनेंट हो जाएगा इधर, नहीं बात समझ में आई आ गया हो आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से उल्टा भी समझते हैं, तो सपोज कर लिए अभी यहाँ पर इस है यहाँ पर क्या दिया गया था इस लाइन के रिस्पेक्ट में एंगल दिया गया था, अब हम लोग सीखते हैं कि अगर मान चलिए इस लाइन के रिस्पेक्ट में एंगल दिया जाएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर है ना दिया हुआ इस लाइन के रिस्पेक्ट में एंगल, तो यानी वाई वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एंगल दिया हुआ है यहाँ पर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल दिया गया था, ठीक है। तो बताइए तो ये अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या होगा एफ कॉस थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना बाबू इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा, तो आपको ये पता चला होगा कि ये मतलब कि कंपोनेंट क्या होता है मतलब कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं बाबू इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो इस पर क्या करते हैं बाबू हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
देखिए क्या होगा क्वेश्चन, सपोज कर लीजिए कि ये मेरा कोई बॉडी है ना, और इस पर जो कोई फोर्स लग रहा है, कुछ इस प्रकार से फोर्स लग रहा है। सपोज कर लीजिए ये बॉडी है, इस पर जो फोर्स लग रहा है कुछ इस प्रकार से लग रहा है ऐसे ऐसे एक फोर्स लग रहा है, नहीं इसको हटाओ, कुछ एंगल पर फोर्स लगाता हूँ, ऐसे फोर्स लग रहा है जो कि इस बॉडी से 30 डिग्री के एंगल पर लग रहा है। कितने डिग्री एंगल पर लग रहा है? 30 डिग्री के। और ये 50 न्यूटन का फोर्स है। क्या है बाबू, ये 50 न्यूटन का फोर्स है। अब देखो, अब आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका इस डायरेक्शन में भी फोर्स होगा, कंपोनेंट होगा, और इसका इस डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होगा। सपोज कर लीजिए इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एफ वाई होगा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा वो एफ एक्स होगा। क्या होगा बाबू? एफ एक्स होगा। आपसे पूछ रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू वाट, एफ वाई इक्वल टू वाट। देखो क्वेश्चन फटाफट देखो और क्वेश्चन करो इसको, ठीक है? देखो तो बताओ, ये किस लाइन के साथ एंगल बना रहा है फोर्स? ये एक्स वाला लाइन के साथ एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो बताओ, है ना? अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, देखो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू? देखो इसी लाइन के साथ ये एंगल बना रहा है, ये फोर्स, ये बॉडी, ये जो मेरा फोर्स है, ये मेरा फोर्स जो है इसी लाइन के साथ। देखो एफ बराबर क्या है, एफ बराबर 50 न्यूटन दिया हुआ है ना? तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? देखो ये जो फोर्स है मेरा इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, और जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है उस लाइन के अलॉन्ग अगर कंपोनेंट लेना है तो क्या करेंगे, इस फोर्स का कॉस थीटा। तो बताओ क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। अब बताओ वैल्यू पुट करो, एफ के फोर्स की वैल्यू कितना है? 50 न्यूटन, और कॉस थीटा मतलब कॉस कितना? 30 डिग्री। तो बताओ भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन कॉस थीटा कितना हो जाएगा? तो 50 गुना क्या हो जाएगा, 50 गुना कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है भैया बताओ? √3/2 यही होती है ना कॉस थीटा की वैल्यू। काटो 25 मरतबे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25√3 आ जाएगा, नहीं 25√3 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेरा क्या हो गया, एफ एक्स की वैल्यू हो गया। इसी प्रकार से हमको क्या निकालना है भाई, एफ वाई निकालना है। देख भैया यहाँ से एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो वाई डायरेक्शन में इस फोर्स का कंपोनेंट निकालना है। तो देखो इससे एंगल दिया हुआ था, नहीं नीचे वाला से एंगल दिया हुआ था, देखो इस लाइन से एंगल दिया हुआ था, इस लाइन से एंगल दिया हुआ था 30 डिग्री। अगर वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना तो क्या करेंगे, देखो अगर इस लाइन से एंगल दिया हुआ है तो इसका साइन ले लेंगे, यही काम कर रहे थे पहले अभी। तो क्या होगा, एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ वाई बराबर है ना एफ साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ भाई एफ की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो 50 क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया 50 गुना साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बाबू, 1/2 होती है, और ये क्या कर जाएगा, 25 टाइम्स कर जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा क्या, 25 आंसर। तो ये 25 न्यूटन हो जाएगा, ये 25√3 आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बउआ, देखो भाई क्या हो गया, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई, 25√, देखो मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा पहले तो जाकर साफ साफ लिख पाऊँगा, नहीं एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 25√, चलो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 25 है ना √3 न्यूटन। एफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 25 न्यूटन। तो इस प्रकार से बात समझ में आ रही है क्या? तो ये होता है, ऐसे हम लोग निकालते हैं कंपोनेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 करो, क्या करो क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये समझ में आया क्या, ये उतार लो। ये क्वेश्चन नंबर 1 और करवाता हूँ मैं, देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं करवाता हूँ ध्यान से देखो, मेरे पास एक क्वेश्चन है करवाता हूँ मैं, देखो चलो देखो ध्यान से। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मेरे पास कंपोनेंट तोड़ना है फोर्स का। सपोज कर लो कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ऐसे कोई है ना, ये इस प्रकार से कोई क्या है, एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है? क्या है भाई, ये एक्स और वाई एक्सिस है, क्या है, एक्स और वाई एक्सिस है। अब सपोज कर लो कि इस एक्स और वाई एक्सिस से इस प्रकार का फोर्स लग रहा है, ये है ना एफ फोर्स लग रहा है। एक्स बराबर दे दिया आपको 20 न्यूटन, क्या दे दिया बाबू, और ये एंगल दे दिया क्या, 45 डिग्री, क्या दे दिया बाबू, ये एंगल दे दिया 45 डिग्री। तो बताओ ये एक्स डायरेक्शन है ना, ये क्या है बाबू, एक्स डायरेक्शन है, और ये वाई डायरेक्शन है, देखो वाई डायरेक्शन, देखो ये वाई वाई डैश नहीं, वाई डैश ये होगा, नहीं। अब इस प्रकार से आपको पूछ रहा है कि एफ एक्स बराबर क्या होगा बताइए, है
है ना, एफ वाई बराबर क्या होगा वो बताइए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि एफ एक्स क्या होगा और एफ वाई क्या होगा ये बताइए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको आपसे इस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट पूछ रहा है, आपसे इस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट पूछ रहा है। नहीं तो चलिए कैसे निकालेंगे देखो, अगर आपको याद है कि अगर मान लीजिए जिस एक्सिस से अगर यानी जिस लाइन से अगर एंगल दिया हुआ है, अगर उस पर कंपोनेंट निकालना है, तो अगर आपको याद है कि इस पर कंपोनेंट क्या होगा बाबू, अगर आपको याद है कि इस पर कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा, और जिस लाइन से एंगल दिया हुआ है उस लाइन के परपेंडिकुलर अगर कंपोनेंट निकालना है, तो क्या आपको याद अगर रहेगा एफ साइन थीटा है तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो ना, एफ की वैल्यू कितनी है बाबू, 20 है। हाँ, थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री, ये हो जाएगा। इसके अनुसार से एफ साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो देखो एफ एफ की वैल्यू कितनी है, 20 है। थीटा की वैल्यू कितनी, साइन कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। तो ये देखो ये कंपोनेंट हो जाएगा और ये कंपोनेंट हो जाएगा। चलो ये तो फार्मूला याद रहेगा तब जाके संभव है, नहीं फार्मूला याद रहेगा तब जाके संभव है, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे देखो। तो कहने का मतलब ये तो तरीका है, एक प्रकार से ऐसे ही बन गया है ना। अब आपसे एफ एक्स पूछ रहा था क्या हो जाएगा बाबू, एफ एक्स पूछ रहा था प्रश्नवाचक साइन, अब हटा दो, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं भर देता हूँ वैल्यू इसका, देखो क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू मैं जो लिखा हूँ वो क्या होगा, यही ना होगा एफ कॉस थीटा बराबर क्या हो रहा है, ये 20 20 cos 45 डिग्री। अब देखो एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, यानी कि एफ जो होगा एफ साइन थीटा बराबर बराबर क्या हो जाएगा भाई, भाई देखो 20 sin 45 डिग्री, तो ये बात होगी। नहीं अब देखो एफ एक्स और एफ वाई हमको निकल गया, यही तो पूछ रहा था, इसका वैल्यू कैलकुलेटर ले लेंगे, निकाल के रख देंगे। अब देखिए अब आपका जो एग्जामिनेशन होता है ना उसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है, नहीं आप कैलकुलेटर ले लीजिएगा, आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। अदरवाइज अगर आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जा रहा है एग्जामिनेशन में, तो देखिए ना इसको सॉल्व कीजिए, तो 20 गुना cos 45 वैल्यू कितना होता है, 1/√2। क्या इसका इसका सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 20 गुना sin 45 का ही वैल्यू 1/√2 होता है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा इसका आंसर, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। सॉल्व करो, काटो ये, इससे इससे कट जाएगा, कितना टाइम्स करेगा, 10√2 टाइम्स करेगा। ये भी इसी प्रकार से चूंकि ऊपर नीचे सेम है तो वही बात हो जाएगा, कहने का मतलब 10√2 न्यूटन हो जाएगा, ये भी न्यूटन हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू। तो ये तो बात रहेगा कि मान चलिए हमको फार्मूला याद है तब तो इतना आसानी से निकाल सकते हैं, चलिए उससे फार्मूला इतना डिफिकल्ट नहीं है कि जो याद नहीं रहेगा, नहीं। चलिए अगर इन केस हमको फार्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे देखो, इन केस अगर फार्मूला याद नहीं है तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे देखो, सिंपल सा का कंसेप्ट है, ये चीज़ बना लिए क्या, तो पहले ये चीज़ बनाओ, पहले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो, पहले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो, या फिर इसको वीडियो पॉज करके देखो, स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले पा रहे हो तो। चलो ठीक है, अब देखो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव देखते हैं, नहीं क्या करेंगे देखो क्या हो रहा था, अल्टरनेटिव देखते हैं ना, अल्टरनेटिव कहने का मतलब होता है कि कोई दूसरा तरीका। ठीक है, देखो क्या होगा कि ये मेरा कार्टिशियन सिस्टम था इस प्रकार से, और इस प्रकार से क्या हो रहा था, ये मेरा एक्स वाई डैश था, नहीं ये मेरा वाई था, ये मेरा एक्स था, और ये मेरा क्या था बाबू, एक्स डैश था। ऐसे ये फोर्स लग रहा था जिसका एंगल 45 डिग्री का दिया हुआ था, और मुझे कह रहा था कि भाई देख, मुझे कह रहा था क्या, मुझे कह रहा था कि ये देखो, थोड़ा इसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है चलो, मुझे कह रहा था कि ये जो मेरा फोर्स है, इस फोर्स का है ना, इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा वो निकालो। ठीक है, देखो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, तुम लोग है ना प्रश्न करने लगोगे, देखो ये चीज़ दिया हुआ है, अब यहाँ पर लिखा हुआ था क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 20 न्यूटन लिखा हुआ था है ना। अब पूछ रहा था कि एफ एक्स बराबर क्या होगा और है ना एफ वाई बराबर क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा था भाई, ये पूछ रहा था। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो मेरा चीज़ है, देखो इसके अनुसार से जो मैं चीज़ को प्रूव किया उसके अनुसार से मैं चलता हूँ। देखो अब मैं क्या करता था, यहाँ से इसको नीचे प्रोजेक्ट कर देता था, ठीक है यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर देता था, ये ओ है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। अब देखो ये क्या है, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर देते थे, क्योंकि हमको ये क्या होगा, यही तो होगा बाबू एफ एक्स, ये ना होगा एफ एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट होगा वो एफ एक्स हो जाएगा। अब देखो बाबू यही तो होगा एफ वाई, यानी कि वाई एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट होगा वही होगा एफ वाई,
इसको मान लेते हैं ओ ए बी, इसको मान लीजिए सी, ठीक है। अब देखिए आपको एफ वाई पूछ रहा था, कहने का मतलब क्या पूछ रहा है, ओ सी का लेंथ पूछ रहा है, ओ ए पूछ रहा है, तो एफ एक्स पूछ रहा है, कहने का मतलब क्या है, आपको ओ ए का लेंथ पूछ रहा है। और आपको थोड़ा सा भी है ना रत्ती भर भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है, त्रिकोणमिति आता है, तो आप इसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन लिख लीजिए, ये जो लाइन है ओ बी, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन दिया हुआ है। आराम से इस चीज़ को भर दीजिए वहाँ पर ओ बी की लेंथ पे। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बातचीत फॉर्मूला ये पता है तो क्या करेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी से क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा कॉस 45। अगर देखिएगा देखिए क्या हो जाएगा, कॉस 45 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कॉस 45 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बाई एच यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइट, सॉरी हाइपोटेनस नहीं, मतलब कि आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बताओ क्या है बेस, यानी कि ओ ए बटा क्या हो जाएगा बुआ, ओ बी हो जाएगा, ओ ए बटा क्या हो जाएगा बाबू, ओ बी हो जाएगा। इस चीज़ को अगर देखें तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ओ ए की वैल्यू कितना है पता नहीं, जिसको ओ ए की वैल्यू मुझे पता नहीं है, वही तो निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दो कॉस 45, ओ ए की वैल्यू मुझे पता नहीं है, जिसकी वैल्यू मैं मान लिया हूँ कि वो एफ एक्स है, नहीं क्या है एफ एक्स है, कहने का मतलब। और ओ बी क्या है, ओ बी कहने का मतलब क्या है, ये ओ बी बोले तो क्या होगा भाई, देखो ओ बी बोले तो ये लेंथ, ये लेंथ ये कितना है, एफ 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 के बराबर है, वो कितना है 20 न्यूटन। ओ बी बराबर तो किसके बराबर है, एफ के बराबर है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें, थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ इस चीज़ को, देखो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा भाई, देखो ये जो मेरा कॉस 45, यहाँ से हम लोग एफ एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा भैया, देखो एफ कॉस 45 हो गया। तो बताओ एफ की वैल्यू कितनी है, देखो भैया 20 न्यूटन दिया हुआ है, और 20 न्यूटन में अगर हम लोग कॉस 45 यानी कि 1/√2 से गुना करेंगे तो क्या आंसर आएगा बाबू, देखो रूट टू से कितना टाइम्स कटेगा, ये 10√2 टाइम्स कट जाएगा, नहीं √2 से कितना टाइम्स करेगा, 10√2 न्यूटन हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा एफ एक्स की वैल्यू। इसी प्रकार से मुझे है ना अब एफ वाई निकालना है, तो देखिए कैसे प्रोसेस करेंगे, है ना, फ्रॉम लिखेंगे क्या, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा बाबू, है ना ओ सी बी, यानी कि ये ट्रायंगल में देख रहे हैं, क्योंकि देखिए हमको एफ वाई का लेंथ निकालना है, तो इसमें देखेंगे तो काम चल जाएगा, अच्छा इसमें भी देखते तो काम चल जाता, नहीं हमारा जो अगर ओ ए बी ट्रायंगल में देखते तो काम चल जाता, कैसे काम चलता देखिए, मैं ओ ए बी से काम भी चला, मैं काम चला सकता था, नहीं चलाता हूँ मैं ओ ए बी से काम, देखो कैसे काम कर गया, देखो अगेन यहाँ पर लिखूंगा क्या, अगेन इसी ट्रायंगल में मैं लिख रहा हूँ, जो मेरा जो ट्रायंगल है ओ ए बी, मैं उसी में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखो, अगेन इसमें पहले मैं क्या लिया था बाबू, कॉस लिया था, नहीं अब मैं लिखता हूँ अगेन साइन 45, देखो साइन 45 लिखेंगे तो क्या होगा, पी बटा एच में आ जाएगा, नहीं पी वैल्यू ये है ए बी, ए बी ही ओ सी के बराबर है, क्योंकि ए बी का लेंथ क्या होगा, ओ सी के बराबर है, ठीक है। तो साइन 45 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी बटा क्या हो जाएगा, ओ बी, चूँकि पी बटा एच होता है ना, तो साइन 45 की वैल्यू ये हो जाएगा, साइन 45 बोले तो 1/√2। चलो पहले 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 क्या करो, पहले पुट नहीं करो, पहले देखो क्या आएगा, तो ये साइन 45 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, साइन 45 बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी है मुझे पता नहीं है, यही तो है मेरा एफ वाई, ए बी बराबर ओ सी है ना, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, एफ वाई है, बटा में क्या हो जाएगा ओ बी, ओ बी की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 20 न्यूटन, यानी कि वो एफ के बराबर है, किसके बराबर बाबू है, एफ के बराबर है, नहीं तो यहाँ से देखिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, देखो तो एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो एफ वाई बराबर हो जाएगा एफ साइन 45, एफ साइन 45 हो जाएगा, नहीं एफ साइन 45 हो जाएगा, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ यानी कि बोले तो साइन 40, एफ की वैल्यू कितना है 20 दिया हुआ है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, यहाँ से पूर कर दो, इसकी वैल्यू कितना आएगा, देखो 20 गुना 1/√2, यही वैल्यू आया, सेम वैल्यू आएगा 10√2 न्यूटन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए 45 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर अगर मेरा फोर्स जा रहा है तो जितना मेरा एक्स कंपोनेंट होगा उतना ही मेरा वाई कंपोनेंट होगा, बात समझ में आएगा। तो ये चीज़ होती है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर मान चलिए आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है, आप जानते हैं कि कंपोनेंट किस एरिया का नाम है, तो आप आराम से बता सकते हैं। कहने का मतलब है कि ओ ए की वैल्यू है एफ एक्स, ये बात अगर आपको समझ में आ रही है, ओ सी की वैल्यू है एफ वाई, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो कुछ भी पूछ लीजिए, बता दीजिएगा ना। कहने का मतलब ये हुआ कि दिमाग को शांत रखते हुए सोचना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, नहीं तो आराम से अगर फार्मूला याद आया तो देखिए आसान सा फार्मूला भी है ना बाबू,
अगर मान लीजिए इससे अगर एंगल थीटा बना रहा था तो क्या हो जाएगा, जिससे एंगल बना रहा है थीटा उसका कॉस थीटा, तो यही बात है। तो इसके अनुसार से बात समझ में आया क्या? चलो तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर दो। नहीं मैं कितना क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इस पर क्वेश्चन नंबर दूसरा था ये। नहीं चलो, तो ये तो पहला वाला क्वेश्चन था, ये तो मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा था, ठीक है। इसको दूसरा वाला क्वेश्चन जो करवाया तो इस प्रकार से क्वेश्चन था और उसका एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करना था। इसमें मैंने दो तरीके से बताया इस चीज़ को। नहीं चलो, तो बात समझ में आया क्या? है ना, ऐसा तो नहीं लगता है कि सर इसको लिखेंगे कैसे। तो पहले क्या करो, ये फिगर बना लो, उसके बाद क्या करो, है ना, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा उसको लिख लो, है ना, एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा उसको लिख लो, बात खत्म है, ठीक है। चलो तो अब मैं जो फिर जो चीज़ जो भी फॉर्मूला बताऊंगा, ये जो चीज़ है ऐसे एक वे में लिखा हुआ है, तरीके में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैकेनिक्स में क्या होता है ना बाबू, है ना, मैकेनिक्स में आपको थ्योरी ज़्यादा नहीं होता है, आपको है ना क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं, है ना, इसलिए न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास ज़्यादा करो, और न्यूमेरिकल बनाने में आसान यूँ ही बन जाएगा न्यूमेरिकल आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे आने वाले जो है ना, आगे आने वाले जो क्लासेस है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरा रहा परपेंडिकुलर पर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें किसी भी फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, वो चीज़ हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आने वाले क्लास में सीखेंगे कि किसी फोर्स का नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड, यानी कि एनालिटिकल मेथड का यूज़ करते हुए हम लोग नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं कैसे, उस चीज़ को सीखेंगे। नहीं तो फिलहाल बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।